आजकल दोस्तों एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जो एकता कपूर को लेकर इतनी वायरल हो रही कि इसका सच क्या है आखिर हम जान लेते हैं इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा ले, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। समझ जाओ एकता कपूर। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जगह एकता कपूर की एक ऐसी पोस्ट वायरल हो रही है जो क्या सच में उसके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज हो गया है इन धाराओं में 294, 298, 500, 499 या IT एक्ट 66A के तहत क्या मुकदमा दर्ज हो गया है कि एकता कपूर की क्या है मामला पूरा जानते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए। एकता कपूर को लेकर सोशल मीडिया पर बहाल मचा हुआ है एक पोस्ट इतनी वायरल हो रही कि क्या सच क्या है। आल्टा बालाजी की वेब सीरीज XXX2 विवादों में भारतीय सेना को लेकर एकता कपूर ने की जिंदगी पर आधारित एक सीरीज की एक पोस्ट इतनी वायरल हो रही कि वाकई क्या है सच, क्योंकि एकता कपूर ने जो एक सीरीज बनाई है भारतीय सेना को लेकर, भारतीय सेना की पत्नियों को लेकर, उससे काफ़ी दर्शकों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने इस सीरीज में भारतीय सेना और उनकी पत्नियों के बारे में गलत टिप्पणियां, गलत अपशब्द और उनके खिलाफ गलत प्रकार का करके उनको बताया गया है। इसलिए भारतीय सेना की पत्नियों, उनके जवानों में और भारतीय नागरिकों में आक्रोश पैदा है। इसलिए हर कोई व्यक्ति एकता कपूर के बारे में ये कह रहा है कि समझ जाओ एकता कपूर। उनके खिलाफ कई सारे व्यक्तियों ने FIR दर्ज करा चुके हैं और कई सारे व्यक्तियों ने FIR दर्ज कराने की धमकी दी है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि एक पोस्ट में ये कहा गया है कि भारतीय सेना द्वारा एकता कपूर के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है और उसमें 50 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। लेकिन दोस्तों इसकी सच्चाई जानने के बाद ही लगा है कि भारतीय सेना ने ऐसा कोई मुकदमा नहीं दर्ज कराया और ना ही 500 करोड़ रुपए का मांग की है। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एकता कपूर से पद्मश्री वापस लेने को भी कहा है। लेकिन दोस्तों ये तो हकीकत है कि एकता कपूर ने जो भारतीय सेना पर जो आधारित वेब सीरीज XXX2 विवादों में है, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना जवानों, उनकी पत्नियों के बारे में बहुत सारे ऐसे चित्रण का गलत प्रदर्शन किया है, गलत टिप्पणी की है, तो जिससे काफी भारतीय सेना उनकी नारियों में विवाद है, क्योंकि इस प्रकार के चित्रण से उसे एकता कपूर के खिलाफ बहुत सारे थानों में उनके खिलाफ FIR दर्ज भी करा चुके हैं। अब होता क्या है, एकता कपूर बहुत ही बुरी पस सकती है। इसलिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति, अगर भारतीय सेना एक अपना भारत का सर्वोच्च अंग है, उसके खिलाफ कोई ऐसा गलत बोलते हैं या गलत टिप्पणी करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून की सजा या सख्त से सख्त सजा मिल सकती है। इसलिए एकता कपूर ने ऐसा गलत किया है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। इसलिए दोस्तों उनके खिलाफ IPC 294, 298, 500, 499 की धारा 294, 298, 500, 499, 504 IT Act 66A के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसलिए दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को आगे अपनी सेना के जवानों की रक्षा करना है, सेना के जवानों का शौर्य बचाना है, तो आप इस वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें।